जब सीए लागू हुआ ना, जिस दिन ऐलान हुआ, आपको पता है पूरे कैप में हमने दिवाली मनाई थी। मोदी जी ने तो हमारे को सब कुछ दे दिया, भगवान है हमारा, तो बहुत खुशी है। पता नहीं सकते उतनी खुशी है। हमें पूरा भरोसा है मोदी हमारे लिए भलाई सोचेगा। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। भारत में कई शरणार्थी आकर यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में मोदी जी ने अपनी एक गारंटी और पूरी करते हुए सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया है। ऐसे में आइए उन शरणार्थियों के बीच में चलते हैं और जानते हैं कि उनके बीच में कितनी खुशी है और मोदी जी को वो क्या कहना चाहते हैं, कितना विश्वास उनके मन में अब जग चुका है इस कानून के आने से। कहाँ से आए हो आप? पाकिस्तान से, सिंध हैदराबाद से। आपसे जानना चाहूंगी वहाँ पर क्या हालात बने कि वहाँ से आपको यहाँ पलायन करना पड़ा? वहाँ के हालात हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ हिंदुओं की कुछ वैल्यू नहीं है। अरे ये तो हमारा भारत देश हिंदुओं ही का है, तो हिंदू हिंदुस्तान में ही आएंगे, जहाँ सुख मिलेगा वहीं आएंगे। दुख का बंगला भी अच्छा नहीं लगता है, सुख के लिए आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये मुसलमानों का मुल्क है, देश है कि नहीं है? वहाँ पे उनको धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, वहाँ पे उनको पीड़ित किया जाता है, नहीं किया जाता ना, तो उनको नागरिकता क्यों मिलेगी? वो उनका मुल्क छोड़ के यहाँ पे क्यों नागरिकता लेंगे? अगर हमारा मुल्क देश भारत देश है ना, हम हिंदू हैं, हमारा कोई और देश है? पाकिस्तान तो हमारा देश नहीं है, वहाँ तो रखते नहीं है। जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे 2 करोड़ हिंदू थे, आज वहाँ पे 20 लाख हिंदू भी नहीं बचे। तो यहाँ मुसलमानों को क्यों नागरिकता दी जाए? हाँ, जो भारत के मुसलमान हैं उसकी तो नागरिकता है, वो तो 1947 से पहले हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको पता है, खुद का घर कौन छोड़ेगा। लगभग 90% हिंदू भारत में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में तो वैसे ही महंगाई बहुत है, तो आना चाहते हैं लेकिन क्या करें, इतने मजबूर हैं। मैं तो खुद कुछ महीने पहले पाकिस्तान विजिट के लिए गया था, तो वहाँ पर देखा कि 2 वक्त का खाना भी हिंदू लोग नहीं खा पा रहे हैं। महंगाई थी और पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, बच्चे ऐसे गंवार थे, छोटे बुजुर्ग सब अंगूठा छाप थे। उस पढ़ाई की वजह से आगे यहाँ पे हिंदू नहीं थे, अपना मुल्क नहीं था, ये देश अपने देश में आ गए हैं। हिंदुओं को कुछ नहीं समझते वहाँ पे, इस वजह से हिंदू है यहाँ भारत में आ गए। अब जैसे मोदी सरकार ने सीए लागू कर दिया है, नागरिकता संशोधन कानून जो आया है, कितनी खुशी हो रही है उससे? बहुत बहुत खुशी हुई है। तब हिंदुस्तान के हो गए हैं और हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं इनके साथ हम भी हो गए हैं। जब से ये जो लागू हुआ तब से हमें ये खुशी हो रही है। और मोदी के और अमित शाह को हम तो धन्यवाद अपने दिल से उनको कहते हैं, जे हमारे जो दुखों की कहानी उन लोगों ने सुनी है, देखा भी है, सुनी भी है, वो हमारी परेशानी दूर कर दी है। हमारे लिए भगवान ने मोदी जी को भेजा, तो हमारा दुख दर्द उन्होंने देखा है, तो इनके लिए हम धन्यवाद कहते हैं मोदी जी को, अमित शाह को, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। हमें पूरा भरोसा है मोदी हमारे लिए भलाई सोचेगा। ये राम लक्ष्मण और भरत ने जन्म लेके आए यहाँ पे मोदी, हम तो ये जानते हैं। नागरिकता संशोधन तो हमें बहुत खुशी हुई है, क्या बताएं आपको, इतनी खुशी हुई है कि हम मतलब फूले नहीं पा रहे हैं। जैसे सीए लागू कर दिया गया है तो पूरे कैंप में एक जश्न का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं और मोदी जी को हम जो है बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी भगवान करे उनकी उम्र लंबी हो जाए और इसी तरह से ये भारत को आगे बढ़ाने में मदद करे। जब सीए लागू हुआ ना, जिस दिन ऐलान हुआ, आपको पता है पूरे कैंप में हमने दिवाली मनाई थी दीप जला के। मोदी जी को तो हम धन्यवाद कर सकते हैं मैम, हमारे पास और कुछ शब्द नहीं है जो हम मोदी के लिए बोले। मोदी हमारे लिए भगवान है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तो मोदी जी ने हमारे बारे में जो सोचा है और भारत के अंदर हम खुली जो सांस लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मोदी जी ने तो हमारे को सब कुछ दे दिया, भगवान है हमारा, वो हमें नादर का मिल गई दे दिया, इसने बैठने की जगह मिल गई है, हमारे को बहुत सहारा मोदी सरकार ने दिया। देखिए मोदी जी को तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम मोदी जी को तो भगवान करके मान रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो एक मुल्क का तो हमें किया। पाकिस्तान कहता था ये आपका मुल्क नहीं है, लिख लो यहाँ से आपका हिंदुस्तान मुल्क है, हमने हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे कह रहे हैं कि ये यहाँ के भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई। तो ये हमारी बात दिल से सुनी तो सही मोदी जी ने, और सीए बिल पास किया और हमें नागरिकता दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े दिल से धन्यवाद।
और हमारे बच्चे बुजुर्ग जितने भी हैं सब दिल से धन्यवाद करते हैं उनका। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी नागरिकता के लिए इतना सब कुछ किया। मोदी को धन्यवाद करता हूँ वो जो कानून लाया। होली धूमधाम से मनाएंगे, होली का त्यौहार अच्छा, वहाँ तो घरों में होली मनाते हैं और किसी पे को थोड़ा रंग लग जाता है तो वो झगड़ा करते मारते पीटते, यहाँ तक कोई ऐसे नहीं, चलो मैं आप बेटी आप आपको मैं थोड़ा रंग लगा तो आप खुशी होगी, वहाँ ऐसे नहीं थे। हम तो यहाँ बहुत खुश होते हैं होली दिवाली ये जो वहाँ जागरण होता है सब कुछ भी जो भी हो रहा है ना देख के बहुत खुशी। हम तो यह कहते जितने मंदिर जितने हिंदू भाई जितने भी जो सब अपने हैं हम तो यही कहते हैं। तो होली का जश्न तो हमारे लिए मतलब डबल होगा। मोदी जी का धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी शरणार्थी थे हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं, जिस तरीके से वो ये कानून लागू कर रहे हैं ऐसे में जो परिवर्तन है वो ज़रूर देखने को मिलेगा उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि जो परेशानियाँ उन्होंने झेली है वो अब कम होगी और साथ ही साथ अब इनकी ज़िंदगी की जो राह है वो आसान इनको नज़र आएगी।